यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 आईआर क्विक रिवीजन में आज हम नेटो की बात करेंगे। नेटो की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था और ये नेटो लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, जो कि रशिया को लगा ये मेरे लिए खतरा है, राइट, उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि नेटो क्यों बनाया गया था? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत जो है 1949 को बनाया गया था, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। किसने बनाया था? कनाडा, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज। क्यों बनाया गया था? कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है? इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा तो हम ये मानेंगे कि नेटो के ऊपर अटैक है, और नेटो जो है अपने किसी भी मेंबर कंट्री का सिक्योरिटी करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा और हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तो यही रशिया को लगा कि हम यूक्रेन से तो निपट सकते हैं लेकिन नेटो से निपटना मुश्किल होगा, राइट, आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखनी है। वॉशिंगटन ट्रीटी, अभी 30 मेंबर हैं, लेटेस्ट मेंबर नॉर्थ मैसेडोनिया है और इसके 30 मेंबर हैं, ओरिजिनल में 12 थे। वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कलेक्टिव सिक्योरिटी इसका मेन पर्पस है और कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बनाया गया है। तो ये कुल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और एक मिलिट्री अलायंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया। थैंक यू।